दुष्यंत चौटाला जो है किसान, अपने आप को किसानी तहसील करवाता है, देवीलाल परिवार से करवाता है, तो इसलिए दुष्यंत चौटाला का विरोध ज्यादा बनता है बीजेपी से, क्योंकि किसानों की पीठ में छुरा घोप कर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और दुष्यंत चौटाला को सावधान में घुसने नहीं देंगे। यानी कि एक सोच ऐसी इन्होंने पैदा कर ली कि हम मंदिर का सहारा लेके बढ़ जाएं पब्लिक के बीच में, और मुख्यमंत्री आज भी सीट पे बैठा है, अब तक किसानों के बारे में बोला नहीं। एक किसान के पास कसी थी क्या मौके पे? वो वहां तक पीटते चले गए, उस खेत तक गए। इस तरह की बबरता जहां हो रही है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और किसानों के हित में ना बोले। जिन्होंने लाठियां बांधी हैं कर्मचारी हैं, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मैं आज गरोंडा में मौजूद हूँ, किसानों की महापंचायत यहाँ पर हुई है। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश बैंस। राकेश बैंस से मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक फैसला लिया गया कि कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को शाहबाद में आना है, और उसको उसके जो विरोध की है तैयारियां की जा रही हैं शाहबाद में, और शाहबाद से ही राकेश बैंस से क्या कुछ तैयारियां और क्यों ये लोग वहां विरोध करना चाहते हैं, ये सब मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। राकेश जी, कल के प्रोग्राम को लेकर के जिस प्रकार से अनाउंस हुआ कि कल से ही विरोध शुरू कर देंगे, उनका विरोध क्यों? देखिए, विरोध तो पहले भी चल रहा है उनका, और ख़ासकर दुष्यंत चौटाला जो है किसान, अपने आप को किसानी तहसील करवाता है, देवीलाल परिवार से करवाता है। आज जो 9 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, उस सरकार का भागीदार भी है। जब सारे किसान उसके विरोध में वोट दी, वो वोटें लेके विरोध की उन्हीं के साथ मिल गई, तो इसलिए दुष्यंत चौटाला का विरोध ज़्यादा बनता है बीजेपी से, क्योंकि किसानों की पीठ में छुरा घोप कर गए। तो इसलिए जो कल उन्होंने शाहबाद का प्रोग्राम रखा है, हम उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और दुष्यंत चौटाला को शाहबाद में घुसने नहीं देंगे। कल वाला जो कार्यक्रम है, वो विधायक वहाँ पे एक भंडारा लगा रहे हैं। आप लोगों ने तो कहा था कि भी जो उनके पर्सनल किसी के अगर प्रोग्राम होते हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों का विरोध करेंगे, तो क्या ऐसे कार्यक्रम का विरोध फिर भी? देखिए, विधायक जी ने सारे हल्के में कार्ड बांटे हैं, यानी कि एक सोच ऐसी इन्होंने पैदा कर ली कि हम मंदिर का सहारा लेके बढ़ जाएं पब्लिक के बीच में, गुरुद्वारे का सहारा लेके बढ़ जाएं, या इस तरीके का प्रोग्राम बनाएं जिससे कि किसानों से बचा जा सके, पर हम तब भी बचने नहीं देंगे, क्योंकि कल किसानों की किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई हैं करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री आज भी सीट पर बैठा है, अब तक किसानों के बारे में बोला नहीं एक भी शब्द। कैसे बढ़ने देंगे उसको शाहबाद के अंदर? हम नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन कल उनके अगर बयान की भी बात करें, उन्होंने तो ये भी बयान दिया कि जो अधिकारी हैं एसडीएम हैं, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया वो गलत है, पर वो साथ के साथ कहते हैं भाई आक्रमण करना किसानों का वो भी तो ठीक नहीं है। देखिए, जो कसी वाली बात वो बार बार कह रहे हैं, और प्रशासन ने कसी वाली बात हमारे आगे भी रखी थी। जब लाठियां बांधते बांधते खेत तक चले गए, ट्यूबवेल से कसी की बात आई है, किसान के पास कसी थी क्या मौके पर? वो वहाँ तक पीटते चले गए, उस खेत तक गए, उस ट्यूबवेल तक गए, तब किसान, जब मेरे ऊपर इतने 50 आदमी गिरेंगे तो मैं अपना बचाव के लिए क्या करूंगा? मुझे बचाव तो अपना करना ही है। आपने ये भी देखा होगा करनाल के अंदर, जो किसान नीचे गिर गए थे उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, जो किसान एम्बुलेंस के अंदर पड़े हैं उनको भी रोकने की कोशिश करी गई। क्या इस देश के किसान नहीं है? इस तरह की बबरता जहां हो रही है, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और किसानों के हित में ना बोले, ये कहां के इंसाफ हो गया? फिर कैसे बढ़ने देंगे इनको पब्लिक के अंदर? नहीं आने देंगे। तो क्या अब आप कह रहे हैं कि नहीं आने देंगे, इसका मतलब ये मान के चलें कि अब ये हरियाणा भर के लिए संदेश है या फिर शाहबाद के लिए? नहीं, सारे हरियाणा का संदेश आज पंचायत में खुला ऐलान हुआ, और ये भी कहा कि 7 तारीख तक सरकार मान ले फैसले को, 6 तक, और 7 को फिर बड़ी फैसला पंचायत रख दी है। और मैं कहता हूँ, यदि कहीं कोई अंश देवीलाल जी के कण का है दुष्यंत के अंदर, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से एसडीएम और जो जितने भी जिन्होंने लाठियां बांधी हैं कर्मचारी हैं, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, और किसानों की कहीं भी हल्के से भी देवीलाल का नाम पे आँच ना आने दे। नहीं, अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता तो क्या फिर इसके बाद आप लोग फिर उसी तरीके से प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्वक तरीके से जैसे पहले होते रहे? ट्रांसफ़र क्या होता है जी, ट्रांसफ़र से क्या हो जाएगा? सस्पेंड कर दें? सस्पेंड चाहिए हमें, टर्मिनेट ही चाहिए। ऐसा तो देखिए, ये जनता के सेवक तो हैं, जनता की सेवा करने के लिए तो इनको रखा गया है। जनता जो नौकर अपने मालिक को लाठियां से बांधना लग जाए तो उसका क्या करना चाहिए? रख लेना चाहिए घर में। मेरे को दुष्यंत जी बता दें, उनका नौकर उनको लाठियां मार दे और उसको घर में रखेगा? क्या कानून का सहारा भी आप लोग लेने वाले हैं? बिल्कुल लेंगे, हमारी लीगल टीम लगी हुई है, और हम कोर्ट में भी जाएंगे और विरोध भी करेंगे सड़कों पर।
राकेश बेंस मेरे साथ थे जो कि स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अब कल जो शाहबाद में उप मुख्यमंत्री को आना है उसका वो लोग डटकर के विरोध करने वाले हैं, यानी कि हरियाणा सरकार के लिए एक बार फिर से एक नई परेशानी खड़ी होगी। अब देखना ये होगा ये जो सारे का सारा एपिसोड चला हुआ है इससे हरियाणा सरकार किस प्रकार से निपटती है। कैमरा सहयोगी गगन के साथ आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।